हेलो हाय गुड मॉर्निंग सुप्रभात नमस्कार। एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, नए और बेहद खूबसूरत ब्लॉग के साथ। हम लोग आ गए हैं मंदिर से, तो आज है शनिवार। प्रभु शनि की कृपा सभी पर बने रहे और शनि देव जो है वो शुभ फल सभी को दें, इसी कामना के साथ आज के दिन की और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अब मैं जा रही हूँ हुड़कना जल भरने, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। जय भोलेनाथ शिक्षण हे वरुण देवाय। शुद्ध ताजा पानी सुबह सुबह हमारी पहाड़ों की पहचान हुई ना, लेंच में थोड़ा ना मिलता है अमृत हुआ खा लेता। अब उजाला हो गया है, आजकल जल्दी उजाला हो जाता है। काफी लोग पानी भर के घर जा चुके हैं और काफी लोग अभी भी पानी भरने जा रहे हैं। बिल्कुल तंग नहीं किया मुझे आज पच्छल तंग ना करो कुमरी दीदी नती बादल ने तुम कदू कूद दे क्या। और गंगाली मेल पर जल छी बिहार खान वर्गी हरी हरी घास। किसी किसी दिन तो इतना तंग कर देती है और किसी दिन आराम से अपने जगह पे चले जाती है। आज आराम से चली गई थी। अब खाएंगे भूसा, इसमें रख दी है मैंने पूजा की सामग्री, ताजे ताजे पुष्प। मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे, बनाऊं फूल के बंगले बिराजो तुम प्यारे, हमें वो से वादी लाओ तो कोई बात बने। तो सुंदर से ताजे पुष्प ला गई हूँ मैं प्रभु जी को अर्पण करने के लिए। अब हम जा रहे हैं चमू देवता के दरबार में, तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको कराऊंगी आज चमू देवता माँ भगवती के दर्शन। इनकी फिटनेस का राज यही होता है कि काफी रनिंग करती हैं। तो यहाँ पे मिल गए हमको, कौन मिले, हार्दिक कैसा है, खुश रहो ठीक है। मंदिर और ठीक, तबियत ठीक हो रही, तो चलते हैं मंदिर में फिर मिलते हैं। जय हो भगवान। तो ये है परिसर, बहुत शानदार, दोनों तरफ घंटियां लगी हुई। ओम ऋग्वेद शास्त्र दशम शास्त्र दशम रूपम कथित बलोगत वर्ण लंबोदर से विप्रो विघ्न नाशो विनाशक धूलि मान द्वादश कर्मणि उपदेशो न करे मत कृत जय विघ्न शन जाते विघ्न बलि कुठारा श्री गणाधिपति महारावे शास्त्र कोटि उदाहरणे नमः। ओम शुक्ला मद्राकर चौमु चतुर्वाग देवतेभ्यो नमः। चौमु देवता के मंदिर में पूजा करने के बाद अब हम कर रहे हैं लाटा देवता के मंदिर में पूजा। यह है लाटा देवता का मंदिर, तो अब आपको ले चलते हैं माँ भगवती के दरबार में। तो चलिए हमारे साथ मामा करें, इसके साथ मेरी भी खींच दो फोटो खींचो। ये हमारे मामा लाटा धाम ने मामा है? मामा तो इतना लट्ठे थे, अच्छा मामा लट्ठे भगवती के धामे हुए मामा, तो पूछ कर दिया अच्छा वहाँ जलारण दिया। चलो अब चलते हैं मामा ठीक से वहाँ। बहुत ही शानदार पेड़ है भरंगालू के, और बांज का पेड़ भी है यहाँ पर। पहले तो बहुत ज़्यादा घना जंगल था बोलते हैं, अब थोड़ा बीच बीच में जगह हो गई है। आजकल नवरात्र चले हैं तो हर मंदिर में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहती है। हम बहुत जल्दी आ गए इसलिए अभी हमको भीड़ नहीं मिली। आज पंचम नवरात्र है, माँ स्कंद माता की पूजा आज की जाती है, तो आज भी मंदिरों में जैसे फर्स्ट नवरात्रि है, पंचम है, सप्तमी है, अष्टमी है, को काफ़ी भीड़ रहती है और नवमी तिथि को। तो अब चलते हैं हम भगवती माता के मंदिर में। माँ भगवती, माँ भगवती के मंदिर में हमने कर ली है पूजा पाठ। यहाँ पे कोई पंडित जी पुजारी जी तो नहीं थे, खुद ही पूजा पाठ किया, लेकिन दिया जला रखा था मामा ने, तो माँ की कृपा सब पर बनी रहे। देखिए मंदिरों में भी इस तरह का लिखना पड़ता है, ये एक सोचनी विषय है और सबको सोचना चाहिए, इसको लिखने की शायद ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। पुराने पेड़ थे ये, तो शायद स्वतः ही उगे होंगे, लेकिन ये नए पेड़ लगाए गए हैं, रोपित किए गए हैं, तो ये पेड़ भी काफ़ी बड़े हो गए हैं अब। तो यहाँ पर मिली है हमारे
क्षेत्र के बहुत ही नवयुवक जो अग्रणी हर क्षेत्र में रहते हैं। और अरे राजेश है टिकिया, टिकिया बन रही है राजेश, छोला टिकिया, छोला टिकिया बन के तैयार है। प्याज वालू नहीं दी थी ना, और लेग के काटन मिर्चा तो मैं बब्बी काटन मिर्च ले, बिल्कुल प्याज कदू, प्याज कदू किलो प्याज का डर रहते नहीं है, डेढ़ किलो नॉर्थ में ले चल रही प्याज है। छोले तो इतने टेस्टी होते हैं ना राजेश के, पराठों के साथ आप खाइए, लुत्फ उठाइए, और सस्ते और ज्यादा भी टेस्टी भी। तो मंदिर से आने के बाद अब कर लेते हैं अपनी दिनचर्या को शुरू। मंदिर से आने के बाद बहुत सारे काम किए घर के, कपड़े धोना है, नाश्ता वगैरह बनाना, बर्तन धोना और किचन का पूरा काम करना। अब मैं जाती हूँ घर के, देखती हूँ घर के में कुछ काम तो नहीं है, अगर काम है तो करके आती हूँ। इन छने बारह मसूर और इन मसूर में चुट दी अलगाम लिखन अलगाम लग रही घाम निकली चुटी ना यू गिर छे हमारे यहाँ गिर को ना गड़ान पिन मसूर निकेरी नहीं हो रहा जदू होना ना हम रोज रोज निकालनो तो कच्चा छन मसूर जदू सुगरी थे मैल चुटेलन और गौरी मुखन मैल जवाद के तैल छे। सुखाने के लिए मैंने इसमें डाल दिए हैं और वो चूट दिए हैं वाले वो हैं कलो। आज है विश्व संक्रांत बैसाखी जिसको बिस्पति भी कहते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ मामी के यहाँ, देखते हैं मामी ने किस तरह से आज बिस्पति को मना रखा है, क्या क्या खाया, नाया या नाया, क्योंकि कहते हैं नहीं नाया तो उस दिन 20 लगता है। कहाँ हो? ये देखिए मामी, बहुत बहुत बधाई हो पंचमी की भी और बिस्पत संग्रांत की भी। तेरे को भी बहुत बहुत। ये गले में क्यों लगा रखा मोबाइल? अरे बात कर रही हूँ गले में लगा के। कानों से सुनते हो, गले से सुनते हो? अरे वो पड़ा रखा है तो नहीं सुनती हूँ, दर्द दर्द हो जाती गर्दन में। तो एयरफोन ले लो ना फिर। अरे एयरफोन कहाँ था, तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड भी एयरफोन लगन में के न उन एयरफोन लगन में स्टैंडर्ड। तो यू पता आप बिस्पति दिना की कर से ना रहने न की 20 लगन में नहीं नहीं रहा बस, और क्यों कर रहा 20 बगाल छी 20 बगाल बस। कैर वो खाचे ने ना है तो के खानो कैर वो चालो से 20 कैर वो खानन बली कहो कहा ने उत्ती तो बना हारे गई तू परे पता खा लो ने मजे जाने। चलो जितने भी हैं रखे तो हैं प्यार से, भले ये काउंटेबल है मतलब गिने जा सकते हैं। धन्यवाद मामी, धन्यवाद धन्यवाद आपका। तो अब खा लेती हूँ मैं और खाएगी तो भर दूंगी कटोरी बड़ा। हाँ अभी संतरा मंगाओगे? हाँ देख लेना आप, मंगाते मंगाते नहीं मारे संतरे भी तो खट्टे होते हैं। हाँ गुड़ एक ही, ये थोड़ा मीठे तो हो ही रहे हैं, मतलब तब भी खट्टापन है ही थोड़ा। नहीं सुन पे तुम मिठा सा आज आज त्यार से की बोलो ना आज जैसे तुम की बनून वाल छो आज की बनून वाल छो पेट ना पेट की बात लग रही देखो मामी को पूरा अनुभव है ना। सुबह तो तो मामी बतून मरियान की कंजा परोठा खा लेगा। तो बिट्टू के यहाँ पर से ले लेते हैं फल, और ये फल जा रहे हैं आज मंदिर। बहुत बहुत बधाई यहाँ विश्व संक्रांत की और पंचम नवरात्रि की, नए साल की बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या है सब्जी तो आज ताजी दिख रही है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, अभी हम जा रहे हैं मंदिर में और मंदिर में होने वाले हैं भजन कीर्तन। अभी आंटी भी आने वाली हैं ऊपर से। आंटी आ गए तैयार होके, बहुत बहुत बधाई हो पंचमी नवरात्रि की और विश्व संक्रांति की बैसाखी की। क्या ले जा रहे हो? अरे फूल वहाँ लगाने के लिए, फूल वहाँ बिमला को देने के लिए अपनी बहन को देने। अच्छा तो देखो अब हल्द्वानी जा रही है ना। अच्छा कहाँ आए फिर? वो वहीं तो है। तो हम पहुंच गए हैं मंदिर में, अब भजनों का कार्यक्रम होने वाला है शुरू। आज जो भक्त हैं वो हल्द्वानी से और दिल्ली से पहुंचे हैं। वाली इधर को देखिए, दिल्ली से पहुंचे ना, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सालों बाद आए माइके? बचपन याद है, 8 साल बिल्कुल यही माहौल था हमारे। 8 साल बाद
5 साल बाद। अब आ गए चहा, अब चहा चाय। आज की चाय है चिमड़ी मामी की तरफ से। तो गुड़ के साथ सुनो तो सही, दो गाय के गड़गड़ाने दूध तभी हो रहा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद मामी, दी गोर उनको जोश लगी रे दूध चा। ओ मामी दी गोर उनकी दिनाल चाय में देखी रहा तुम्हारा। 40 साल बेमिसाल, यानी 40 साल की बहुमूल्य सेवा मैडम ने शिक्षा विभाग में दी है। तो अब 31 मार्च को मैम रिटायर हुई थी, उसकी मिठाई देखिए यहाँ पर बांटी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके घर में खुशियाँ आती रहें, आप मिठाई खिलाते रहें, सबका मुंह मीठा करते रहें। पार्टी का भी निमंत्रण था, बोलना हाँ, मुझे पार्टी का निमंत्रण, हाँ उस दिन मैं आ नहीं पाई, मैंने फोन कर, मैंने आपको हाथ जवाब भी भेजा था। भक्त, हाँ आंटी ठीक है चलो मैं भी आती हूँ। तो अब ये भक्त गण यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं। तो कैसा रहा फिर आज का? अच्छा रहा, आनंद आया, बहुत बढ़िया आनंद आया, बहुत बढ़िया आनंद। आपकी थकान भी दूर हो गई? क्या चीज की? मेरी मेरी थकान, वो तो लगती है थकान ना। तो बहुत सुंदर से फूल हो रहे हैं और भजनों का हो गया समापन। अब मैं यहाँ से दूध लेते हुए जाती हूँ। मामी ने यहाँ पे जौ भी काट दिए हैं, जौ की बालियाँ वाव बहुत है बड़ी हो रही है, जौ वाले गड़गड़ाना। तो यही रही मेरी आज की दिनचर्या। यदि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए और बेहद शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें एंड मस्त रहें। बाय, गुड नाइट।